जेंटलमैन, मैं सलोनी छाबड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ NIMT में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि क्या क्या लॉ के प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर करते हैं NIMT में, कितने साल का ये प्रोग्राम है, क्या इस प्रोग्राम को करने की एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ का एडमिशन प्रोसेस है, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, अकोमोडेशन की बात करेंगे और इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। BA LLB एक 5 साल का लॉ कोर्स है जिसमें आपको 2 डिग्री प्रोवाइड की जाती हैं, BA + LLB। ये 5 साल का कोर्स 10 सेमेस्टरों में बटा हुआ है जिसमें आपको 20 वीक्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे एडवाइजरी काउंसिल और इंडस्ट्री मेंटरशिप के जो हमारे कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल एक बॉडी है जो कि हमारे कॉलेज ने एस्टैब्लिश करी है, जिसके थ्रू बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, बार एसोसिएशन के मेंबर्स जो आते हैं वो हेल्प करते हैं एक न्यू इंसाइट देने में कॉलेज को, और हमारे ही कॉलेज से न्यू अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं और आगे ये चीज हमें हमारे जॉब्स और प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करती है। हमारे कॉलेज में एक 8 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल है। इंडस्ट्री मेंटरशिप एक प्रोग्राम है जो हमारा कॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत ही अपनी फील्ड में एक्सेल करने वाले लोग जो कि जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, जो कि आते हैं और बच्चों को मेंटरशिप देते हैं। बच्चे उनसे उनकी ही फील्ड में जिसमें उनको इंटरेस्ट है उनसे बेस्ट हेल्प पाते हैं, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। ये उनको इंटर्नशिप्स में भी हेल्प करती है और उनके लिए काफी हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं कि NIMT में हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या टीचिंग मेथड हम फॉलो करते हैं। हम NIMT में केस टीचिंग मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हम बच्चों को जो हमारे कंट्री में चल रहे हुए रियल केसेस हैं वो देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि वो उन केसेस में कमियां निकालें या फिर वो देखें कि अगर वो होते उस जज की जगह तो वो क्या जजमेंट देते। उनको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर वो एक वकील होते तो वो इस केस को कैसे आर्ग्यू करते, क्या अपने जो पॉइंट्स है वो फुट फॉरवर्ड करते। इससे सिर्फ उनका थ्योरेटिकल बेनिफिट नहीं बट एक प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। LLB के कोर्स के अलावा भी हम कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं यहाँ पे NIMT पे। हम ऑफर करते हैं इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन एंड साइबर लॉज, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, मैरिटाइम लॉ, स्पेस लॉ, पेटेंट ड्राफ्टिंग फॉर बिगिनर्स। ये सब स्पेशलाइजेशन कोर्स हम ऑफर करते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं जो या तो 3 वीक्स के होते हैं या फिर 4 वीक्स के होते हैं। इन कोर्सेज में फर्स्ट वीक में हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि ये कोर्सेज क्या इनकी वैल्यू है, क्यों हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, क्या इनका आगे जाके महत्व है। फिर सेकेंड वीक में हम इनके बारे में बताते हैं, जैसे कि अगर हम साइबर लॉ की बात करें तो हम फर्स्ट वीक में ये बताएंगे कि क्यों हमें साइबर लॉ पढ़ना चाहिए और क्या इसकी विशेषता है और क्यों ये हमें पढ़ाया जा रहा है, और सेकेंड वीक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि साइबर लॉ होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों इसको लाना पड़ा, क्या क्या हमारी जो कंट्री है वो इसमें प्रॉब्लम फेस कर रही है। फिर थर्ड वीक में हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसके केसेस डिस्कस करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या क्या केसेस साइबर लॉ से आए हैं। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि साइबर लॉ तो एक बहुत ही आजकल चलने वाला ग्रोइंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जो हमारी पूरी कंट्री है आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रही है। BA LLB का जो कोर्स है वो CCS यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अफिलिएट है। अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन्स। आप स्कॉलरशिप UP गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं अपलोड करके आप इसका लाभ पा सकते हैं। आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, हमारा कॉलेज का MOU है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और काफी सारे और बैंक के साथ। प्लस आपके पास एक इजी EMI ऑप्शन भी है अपनी फीस में, जो कि आपको 10 मंथ्स, 8 मंथ्स या 6 मंथ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी फीस EMI के थ्रू भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी और अकोमोडेशन। हमारा जो कॉलेज है वो परी चौक मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आराम से कोई भी बस, ऑटो, टेम्पो ले सकते हैं
और हमारा जो कॉलेज है वो दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे से भी बहुत पास में है। और यहाँ पे अकोमोडेशन हमारे कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, एसी रूम्स हैं, मेस है। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। आप हमारी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप NLAT जो हमारा एग्जाम होता है NIMT कंडक्ट कराता है उसके लिए भरेंगे। अगर तो आपने CLAT या LSAT दे दिया है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। फिर आप वेबसाइट पे जाके अपने मेरिट में नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप जाके उसमें फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आपका अकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। और कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट www.nimt.ac.in पे जाके देख सकते हैं।